यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था, एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो। चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर है, भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होते थे। अच्छा बहुत अच्छा, पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया बढ़िया, बूट सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा हुआ उतरा सामने मैदान में, उसने जूते बाहर निकाले, नए जूते थे। कुछ लोगों को दिखावा की बड़ी बुरी आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं नई नई गाड़ी लें और गाड़ी अगर दूर खड़ी करनी पड़े तो वो चाबी ही फंसा लेंगे उंगली में, ताकि लोगों को लगे कि ये कार की चाबी है। तो उन्होंने उतारी बाहर, मंदिर में अंदर आए, अब वो मंत्र तो करें तुम्हें वो माता चा, फिर जूते देखे पिता तुम्हें वो, फिर देखे रखे ए लाल हमारे हैं, फिर दोनों तुम्हें वो बंधुश्चा, फिर जगदीश की प्रार्थना की जगह जूतों की प्रार्थना है, भगवान की प्रार्थना की जगह हमारा मन वहां रखा है। बुरा ना मानना, हम खिलाफ में नहीं है, क्योंकि कल हम जब रात को बैठे थे, चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, हमने पूछा हमें कहा जो अपना मंडल 400 लोगों को आया उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, शिकायत तो नहीं है कोई। एक जने खड़े हुए बोले गुरु जी एक शिकायत बहुत आ रही। बोले क्या? हमने पूछा क्या? बोले चप्पल जूते चोरी हो रहे। हमको बताया, हमें बड़ी हंसी आई। तो हमें विनोद आया कि आप मंदिर आए, ठीक है कुछ हरण भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इनका काम ही है हरण करना। चोर ने जूते हरण कर लिए, भगवान से प्रार्थना करो कि जगदीश तुम्हारा चित्त हरण कर ले, तुम्हारे मन का हरण कर ले भगवान बद्रीनाथ, तुम्हारे मन का। मंदिर में आप जाओ, प्रार्थना बहुत श्रद्धा पूर्वक करो, इस नियम को पुनः सुनो, बहुत श्रद्धा पूर्वक। घुस गए, लय हो गए, जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो वो अपने मूल्य पर पहुंच जाता, दूध के मूल्य पर, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में ऐसे ही लीन होना चाहिए जैसे दूध पानी में लीन हो जाता। प्रार्थना करो। और हम लोग स्तुति भी बड़ी विचित्र करते हैं। वो मां जो खड़े थे सज्जन चंगीलाल उत्तराखंड वाले, वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। पहले प्रार्थना कर रहे ना हमें अर्थ चाहिए ना धन चाहिए, फिर प्रार्थना कर रहे नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान। भगवान से कह रहे थे ना विद्या है ना बल है, बल्कि 10,000 बैंक में, 10,000 बैंक में। और स्तुति क्या कर रहे? नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान। धीरे से एक महात्मा बगल में खड़े थे तो कान में बोले 10,000 बैंक में है तो क्या नहीं जानत रात रात। हम लोग प्रार्थना अलग करते हैं, वास्तविकता अलग है। प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए, जरूरी नहीं श्लोक आवे, तो श्लोक ना भी आवे, भाव में जो आपको आवे वो भगवान को समर्पित करना चाहिए।